शायद कम लोगों को मालूम है, देश में अनेक लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को भ्रांति है कि गांधी जी के पास लॉ डिग्री थी, गांधी जी के पास कोई डिग्री नहीं थी। अभी आप जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को सुन रहे थे। पिछले काफी दिनों से जारी डिग्री विवाद में अब मनोज सिन्हा की एंट्री हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने महात्मा गांधी की डिग्री को लेकर ग्वालियर में एक बयान दिया है। उपराज्यपाल ने महात्मा गांधी को लेकर एक ऐसा अजीब दावा कर दिया है जो लोगों के गले नहीं उतर रहा। इस बयान को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी मनोज सिन्हा पर निशाना साधा है। पूरा मामला जानने से पहले सुनिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने क्या कहा है। शायद कम लोगों को मालूम है, देश में अनेक लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को भ्रांति है कि गांधी जी के पास लॉ डिग्री थी, गांधी जी के पास कोई डिग्री नहीं थी। मनोज सिन्हा ने दावा किया है कि महात्मा गांधी के पास कोई डिग्री नहीं थी। उन्होंने ये दावा मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित ITM यूनिवर्सिटी में किया। यूनिवर्सिटी में बीते गुरुवार को आयोजित राम मनोहर लोहिया व्याख्यान माला के दौरान मनोज सिन्हा ने राष्ट्रपिता को लेकर ये भ्रामक दावा किया। उपराज्यपाल छात्रों को समझा रहे थे कि शिक्षा डिग्री से ज्यादा महत्वपूर्ण है। सिर्फ डिग्री हासिल करने से व्यक्ति शिक्षित नहीं हो जाता, लेकिन अपनी बात को सत्यापित करने के लिए उन्होंने गांधी जी का उदाहरण दे दिया। मनोज सिन्हा ने कहा कि देश के अधिकतर लोगों में यह भ्रांति है कि गांधी जी के पास लॉ की डिग्री थी। गांधी जी के पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वह इस देश के राष्ट्रपिता बने। मनोज सिन्हा के वायरल वीडियो पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले ने कहा कि जब से मोदी जी और स्मृति ईरानी जी की डिग्री पर सवाल शुरू हुए हैं, तब से बड़ा लोचा है। ग्वालियर के कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कह रहे हैं कि महात्मा गांधी के पास कोई डिग्री नहीं थी। हुजूर, वे बाकायदा बैरिस्टर थे, डिग्रीधारी, इनके चक्कर में उन्हें क्यों निपटा रहे हैं। वही कांग्रेस नेता मुकेश शर्मा ने भी मनोज सिन्हा के बयान को लेकर उन पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, महात्मा गांधी ने 1888 से 1891 के बीच यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन से वकालत की, फिर बैरिस्टर की उपाधि ली, लेकिन जम्मू कश्मीर के गवर्नर कह रहे हैं गांधी जी के पास कोई डिग्री नहीं थी। आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान ने भी ट्विटर के जरिए मनोज सिन्हा के बयान पर सवाल उठाए हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, ये लोग इतने बड़े पद पर होने के बाद भी मूर्खतापूर्ण बातें कैसे कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज ITM ग्वालियर के कार्यक्रम में बोल रहे थे कि महात्मा गांधी के पास कोई डिग्री नहीं थी। इन्हें कोई बताए कि गांधी जी बैरिस्टर थे और लंदन से लॉ की पढ़ाई की थी।